परीक्षा के शिक्षा जगत में 2003 से लगातार नई ऊंचाइयों के साथ नए नए सोपान रच रही इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपने 16 साल की अपार सफलता के बाद 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी का 17वां स्थापना दिवस रेसकोर्स रोड स्थित लाभ मंडपम में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ गणेश वंदना और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर कौटिल्य अकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा गीत संगीत काव्य पाठ और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन, ख्यात शायर और गीतकार राहत इंदौरी के साथ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक और निदेशक नरेंद्र सिंह सोमवंशी, प्रशासनिक प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, मनीष अग्रवाल ने किया। शिक्षा की जगत में अपनी पहचान तो इन्होंने खड़ी की 17 वर्षों में, और इन 17 वर्षों में अपनी पहचान खड़ी करके देश को व्यवस्था बनाए रखने वाले बहुत सारे सुधी स्टूडेंट्स दिए, जो अपने चारित्रिक मेरुदंड को लेकर के राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जिनकी अपनी निजी पीड़ाएं होती हैं, कोई कहां से आता है, कोई किस तरीके से आता है, किस परिस्थिति और परिवेश को लेकर के अपने उन्नति की कामना को लेकर के आता है, उसकी उस जिजीविषा को, उसकी उस भावना को उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत की भावना से ले जा कर के खड़ा करने का काम इंदौर कौटिल्य अकादमी के द्वारा सफलतापूर्वक 17 वर्षों से किया जा रहा है। हम अपने अंतर्मन से उन्हें इस कार्य के लिए बधाई देते हैं। 50-50, 60-60 साल हमें देश भर में, देश के बाहर कई सम्मेलनों में और दूसरी महफिलों में जाने की मौका मिलते रहे, लेकिन जब जब शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं तो बहुत जी खुश होता है। हम ये पढ़ते आए थे हमेशा से कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे साहित्य पीछे आता जाएगा, लेकिन ये देखकर बहुत खुशी होती है ऐसी संस्थाओं में जाकर कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसी तरीके से कविताएँ और शायरी को लोग, यूथ जो ख़ास तौर पर पसंद कर रहा है और उसके साथ साथ चल रहा है। इस वजह से मैं ये कहने में कभी भी नहीं हिचकता कि हम अगर आगे नहीं जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से, तो लगभग साथ साथ जरूर चल रहे हैं। ये हमारी हम सभ्यता को भी बचा रहे हैं, अपनी जुबान को भी बचा रहे हैं और अपने कविता को, शायरी को, साहित्य को भी बचा रहे हैं। इस अवसर पर इंदौर कौटिल्य अकेडमी के सफल चयनित छात्रों द्वारा नए छात्रों को सफलता के गुर से परिचय करवाया गया। इस मौके पर इंदौर कौटिल्य अकेडमी के सीईओ नरेंद्र सिंह सोमवंशी ने कहा कि विद्यार्थियों के अध्ययन के साथ उन्हें क्या आवश्यकता है, इस बात का विशेष ध्यान इंदौर कौटिल्य अकेडमी द्वारा रखा जाता है, जिसके बल पर ही इंदौर कौटिल्य अकेडमी को आपकी सफलता का प्रवेश द्वार माना जाता है। आपके इस मंच में ही दो बड़े साहित्यकार मौजूद हैं और इंदौर कौटिल्य अकेडमी की जो एनर्जी है वह है उसके बच्चे, वह है हमारा मोटिवेशन, वह है हमारी इंदौर कौटिल्य अकेडमी की एक बड़ी टीम जो लगभग 60 से 70 लोगों की है। और इतनी बड़ी टीम जब 20 से 25 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर एक जगह पर एक मंच पर आकर के बच्चों को मार्गदर्शन देंगे तो निसंदेह सफलता निखर करके आएगी। और हमारे मध्य देश की अब मेधा भी काफ़ी परिपक्व हो गई है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो प्रेरणा हमारे ये बच्चे हैं और हमारे बड़े लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस दौरान देशभक्ति की गीतों की प्रस्तुति पर विद्यार्थियों ने भारत माँ की जय और वंदे मातरम के नारे खूब लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, इंदौर।